सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मन। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, अल्पसंख्यकों तक इसे बढ़ाते हुए उन्होंने इसमें सबका विश्वास भी जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने और उनका भी विकास करने की बात खुलकर कह दी। जहां तक मुसलमानों की बात है तो लगभग सभी मुस्लिम धर्मगुरु प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। देवबंद की उलेमा न केवल मोदी का समर्थन कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस को कोस भी रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस मुसलमानों के हितैषी नहीं है। पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार रही है और उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे मुसलमान भयभीत हों या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचे, बल्कि कांग्रेस की सरकार हमने देखी है मेरठ, मलियाना, हरसिंहपुरा, जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और सड़कों पर मुसलमानों का खून बहा, ये बात जो है मुसलमान आज तक नहीं भूला। और सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के वक्त में ही, जिसमें ये साबित हो गया था कि मुसलमान की स्थिति जो है वो दलितों से बदतर हो गई है। तो कांग्रेस ने उस कमेटी पे अमल नहीं किया बल्कि उसे दबा दिया गया है। अगर कांग्रेस मुसलमानों की इतनी बड़ी हमदर्द होती तो कांग्रेस उस कमेटी को लागू करती। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं को पीएम मोदी के कुछ करीबी नेताओं से शिकायत है जो हिंदू मुसलमान करते हैं, दोनों समुदायों को लड़वाने का काम करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु चाहते हैं कि दोनों समुदायों में झगड़ा कराने वाले ऐसे नेताओं पर नकेल कसी जाए। भरोसा जीतने के लिए अगर वो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दें अपने उन नेताओं से कि जो नेता दिलों में दूरी पैदा करते हैं, कि किसी भी नेता को परमिशन नहीं है इस बात की कि वो एक हिंदुस्तानी के दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने में या उनके दिलों को दूर करने वाले अल्फाज यूज इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई मैसेज नहीं है। मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि ऐसे बयान देने वाले नेता मुसलमानों से पीएम मोदी को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे पीएम मोदी ऐसे बड़बोले नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि वो टीवी पर दिखने और अखबारों में छपने वाले बयान देने से बचे। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते दो चीजों से बचने के लिए कहते थे, वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। अब देखना होगा कि आदत से लाचार कुछ नेताओं पर इस नसीहत का असर कब तक रहेगा। फिलहाल मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि पीएम मोदी के बयान से उन्हें मुसलमानों के बेहतर भविष्य को लेकर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नई हुकूमत मुसलमानों के सोशल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट की तरफ खुसूसी ध्यान देगी, क्योंकि इन तीनों फील्ड में माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं और अगर मुल्क को सही तौर पे तामीर तरक्की की राह पे ले जाना है तो उसमें माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर के चलना ज़रूरी है। इस प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से माइनॉरिटीज़ में और हम ये समझते हैं और खुसूसन मुसलमानों में एक उम्मीद की किरण मुसलमानों को ज़रूर नज़र आई। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये मानना है कि आजादी के बाद से ही मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और अपना हित साधने के लिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसे दलों की मुसलमानों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनके लिए वोट करने के बावजूद मुसलमान जहां थे वहीं रह गए। मुस्लिम धर्म गुरुओं की माने तो ये बात अब मुसलमानों को समझ आने लगी है। देखिए अच्छी चीज है, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा सब ने वोट बैंक समझा, जितने भी सियासी पार्टियां हैं सब ने मुसलमानों को वोट बैंक समझा और किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। अगर आप हकीकत पूछिए आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ में कुछ नहीं हुआ और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया। उधर भोपाल की मशहूर और ऐतिहासिक मोती मस्जिद के नायब इमाम मौलाना मसीउल्लाह ने गरीबों और अल्पसंख्यकों पर दिए मोदी के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि मोदी की नीयत अच्छी है। अगर मोदी साहब ने ये कहा है और मोदी साहब इस पर अमल करेंगे तो मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी साहब ने ये चुनाव जब अपने हाथ में लिया और पीएम बने हैं और ये नीयत की है, तो इंशाल्लाह मोदी साहब का हम पूरे भरपूर दिल से इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे। इन दिनों रमजान चल रहा है और मोती मस्जिद में नमाज के लिए जुटे मुसलमानों के मुताबिक
पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसका स्वागत है। राष्ट्रहित में बात की है, ये बात करके नरेंद्र मोदी साहब ने साबित कर दिया कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं और उन्हें देश चलाने का भी हक है और देश के लोगों के दिल को जीतने का भी हक है। ये मुबारकबाद हम पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मोदी जी को वापस मुबारकबाद देते हैं और इसका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मुसलमानों का मानना है कि अब तक उनका इस्तेमाल भले ही किया गया हो लेकिन पीएम मोदी का इरादा अच्छा है तो उन्हें उनके बयान पर शक नहीं। सबका विश्वास होना चाहिए, ये बात अगर लेके चल रहे हैं वो मोदी जी। अभी तक मैंने इंटरव्यू तो सुना नहीं है क्योंकि हम रमज़ान के मौके के ऊपर बिल्कुल इससे दूर रहते हैं, लेकिन अब अगर क्या कहते हैं इन्होंने इस बात को कहा है कि सबको लेके सबका विकास, तो फिर इनको साथ अगर लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आगे कामयाब भी होंगे। कुल मिलाकर मुसलमानों में पीएम मोदी के बयान से एक उम्मीद जगी है, उन्हें यकीन है कि वादे के मुताबिक मोदी सरकार उनमें विश्वास जगाने के कदम उठाएगी।